नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप कुमार। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लेकर आता रहता हूँ ऐसी बहुत सारी अपडेट, चाहे वो स्टडी वीज़ा हो, चाहे वो स्पाउस वीज़ा हो, चाहे वो MBBS के बारे में हो, टूरिस्ट वीज़ा हो, चाहे वो जर्मनी अपडेट के बारे में हो। आज का जो हमारा मेन अपडेट है वो जर्मनी के अपॉइंटमेंट के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट थे जो बैचलर के अपॉइंटमेंट चेक कर रहे थे, क्योंकि VFS के साइड ने लिखा था कि 2 अगस्त के बाद हम अपनी बैचलर अपॉइंटमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे रात से शुरू हो गए थे चेक करने में, बट अभी उन बच्चों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि VFS की साइड में साफ साफ ये लिखा गया था कि 2 अगस्त के बाद हम अपनी स्लॉट्स ओपन करेंगे। तो इतना तो तय है, जो भी बैचलर की अपॉइंटमेंट मिली वो स्लॉट के जरिए मिलेगी, ना कि ईमेल आईडी के जरिए। तो अब वहाँ पर आपको एक आईडी बनानी पड़ती है VFS की साइड पर। VFS की आईडी बनाने के बाद वहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको स्लॉट शो होती हैं, जो भी आपको डेट सही लग रही है वो आप डेट वहाँ से उठा सकते हैं। बट दिक्कत ये है कि जब भी स्लॉट ओपन होती है तो सारी की सारी स्लॉट खत्म हो जाती है। जैसे मास्टर के साथ हुआ था, अभी 19 जुलाई को अपडेट आया था, रातों रात ही वहाँ पर सारी अपॉइंटमेंट खत्म हो गई थी और बिक गई थी। और बहुत सारे स्टूडेंट थे मास्टर के जिनको अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल पा रही थी, तो वो लोग अपने मास्टर अपॉइंटमेंट की अरेंजमेंट कर रहे हैं, उन्होंने करना भी शुरू कर दिया था। तो जैसे ही बैचलर की अपॉइंटमेंट स्टार्ट होगी तो बच्चों ने फटाफट अपनी अपॉइंटमेंट्स उठा लेनी है, बिल्कुल देरी ना करें। अगर स्लॉट बुक हो जाती हैं तो आप किसी न किसी जरिए से आप अपनी अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। जितना आप डिले करते जाएंगे उतने ही, क्योंकि जब स्लॉट यहाँ की ओपन होंगी बैचलर की, तो 2 दिन के अंदर ही पूरे के पूरे महीने की स्लॉट बुक हो जाएंगी। जैसे अभी मास्टर के साथ हुआ था, अभी कुक वाले अपॉइंटमेंट भी वो भी ऐसे ही हैं। जैसे इनके स्लॉट्स ओपन शुरू होंगे, पूरे 1.5 महीना 2 महीना सारा बुक हो जाएगा। अगर आप भी बैचलर की अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, मैं यही कहूँगा कि आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लेने की कोशिश करें। जैसे ही VFS की साइट ओपन हो जाती है स्लॉट दिखने शुरू हो जाएंगे। जैसे आप डिले करते जाएंगे आपके महीना महीना आगे डेट बढ़ती जाएंगी। पिछला साल भी ऐसे ही हुआ था, इस साल भी वैसे ही होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो अभी पेंडिंग पड़े हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बैचलर अपॉइंटमेंट का वेट कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जितनी जल्दी आपको कोई भी डेट मिले आप उसे उठा लीजिए। अगर नहीं मिलती है तो आप 2 दिन के चक्कर में 3 दिन वेट करते करते आप 2-2 महीने 3-3 महीने आगे पेंडिंग आपकी डेट्स चली जाएंगी। अगर आपको बैचलर अपॉइंटमेंट के बारे में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे के कॉन्टैक्ट नंबर से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरा बैचलर का अपडेट अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।